दिल्ली जल बोर्ड अब सीवेज शोधन के लिए जैविक तकनीक अपनाएगा। ये यमुना के प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक अच्छी पहल साबित होगी। अभी दिल्ली में रोजाना 700 MGD सीवेज उत्पन्न होता है, पर इन प्लांटों से केवल 400 MGD सीवेज ही शोधित हो पाता है। अभी 300 MGD सीवेज यमुना में प्रवाहित करना पड़ता है। अगर 5 MGD क्षमता वाले जैविक प्लांट लगाया जाता है तो बोर्ड को लगभग 60 प्लांट लगाने पड़ेंगे। यमुना के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो चुकी है, लेकिन शोधित पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होने से ये जलीय जीव के सॉइल के लायक बन जाता है। STP सीवेज शोधन पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और बिजली की भी जरूरत होती है, जबकि जैविक तकनीक बिना बिजली के काम करता है और सस्ता भी है। तकनीक को दिल्ली जल बोर्ड भी राजधानी के विभिन्न हिस्सों में अपनाएगा। इस तकनीक में वर्तमान STP संयंत्रों की अपेक्षा एक तिहाई धनराशि ही खर्च होती है, हालांकि इसमें जमीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है।